लेकिन पिताजी क्यों नंदनी यहाँ रोते हुए ऐसी शक्ल बना चुकी थी जैसे कि वो किसी भी पल रोने वाली वो कहने लगती पिताजी लेकिन क्यों आप मुझे वो क्यों नहीं देना चाहते प्लीज मुझे एक बार उसके अंदर जाने दीजिए नंदनी यहाँ पर जिद करने लगती है उसको ऐसा करते हुए देखकर जो उसके पिताजी थे वो कहते हैं अरे नंदनी बेटा तुम मेरे को गलत समझ रहे हो बेटा मैं यहाँ पर तुम्हें उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ बात कुछ ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को यहाँ पर कोई नुकसान हो जाए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन प्लीज ये करने के कर लिए मत बोलो आखिरकार ये जो मेरा होल है ना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है इसके अंदर इतनी शक्ति है की वो तुम्हे झजोर रख सकती है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसको झेलना क्योंकि उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर तुम उसको इस तरह से यूज करने के बारे में सोचोगी तो उसके बाद में तुम्हारे साथ तुम कुछ भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से ओवरफ्लो हो जाना तुम्हारे दानती टूट जाना या फिर तुम यहाँ पर कभी अपना सोर्स इससे मुझे माफ कर देना मैं कहने लगता है। के साथ में ही वो कहती है लेकिन पिताजी मुझे कुछ करना था बात कुछ ऐसी कल मैं अकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट करना चाहती हूँ तो इसी वजह से प्लीज मेरे लिए कुछ तो करिए वहाँ वो उससे कहने लगती है लेकिन उसकी बात के साथ में जहराज कहता है लेकिन बेटा मैं यहां पर तुम्हें उस होल के अंदर जाने नहीं दे सकता हूं लेकिन हां कहा जाता है कि यहां पर जिस जगह पर उस उस को बनाया गया था तो उस होल के अंदर ऐसे बहुत सारे जानवर जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे उन सभी के ब्लड लाइंस और उनके खून का यूज करते हुए एनर्जी से वहां पर उस होल को बनाया गया था बहुत सारे जड़ी बूटे को यहाँ पर यूज किया गया था जिसका यूज करने के साथ में ही वहां पर स्वर्ग की एनर्जी को रखा गया है लेकिन हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ मेरे पास में एक चीज है जिसका यूज करने के साथ में ही तुम कुछ कर सकती हो तुम शायद यहाँ पर अपने उस सोर्स पुल को थोड़ा सा स्टेब्लिस करके उसको थोड़ा शांत कर सकती हो यहाँ पर जो महाराज था वो उससे कहने लगता है तो उसकी वो बात सुनते हुए अचानक से यहाँ पर जो नंदनी थी वो कहती है सच्ची सच्ची पिताजी आपके पास में वो है ये ये मुझे मुझे वो चाहिए प्लीज पिताजी मुझे वो दे दीजिए नंदनी जल्दी से उसके पास में चिपक जाती है तो उसके बाद में उसके पिताजी कहते हैं नंदनी बेटा चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए उसको अरेंज करता हूँ तुम एक काम करो की तुम यहाँ पर लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल के अंदर जाकर मेरा वेट करो मैं वही पर ही आकर तुमसे मिलता हूँ उसके साथ में यहाँ पर जो जयराज था वो उससे कहते हुए पीछे की तरफ पलटता है लेकिन जैसे वो पीछे पलटता है कि उसके साथ में नंदनी उसके साथ में जाकर उससे हक करती है और कहती है पिताजी आप सबसे ज्यादा अच्छे पिताजी हैं आप मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पिताजी आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं उसके साथ में यहाँ पर महाराज उसके सर को यहाँ पर थप थपाते है और कहते हैं मेरी नटखट बेटी वास्तव में तुम बहुत ज्यादा नटखट हो तुम अभी मेरे को यहाँ पर कैसे भी कर कर इस तरह से मनाने के लिए काम आ जाती हो वास्तव में तुम बहुत ज्यादा नटखट हो आखिरकार तुमने मेरे को मना ही लिया ना कुछ के लिए तो उसके साथ में नंदनी अपनी जेब बाहर निकालते हुए कहती है, पिताजी प्लीज ना तो उसके साथ में यहाँ पर जो महाराज थे वो केवल हल्का सा हंस देते हैं, और वहां पर नंदनी से कहते हैं चलो ठीक है तुम वहाँ पर जाओ मेरा वेट करो मैं वहां से उसको लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ उसके साथ में जो महाराज था वो वहाँ पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ में नंदनी को बेच देता है उसके साथ में अब वो यहाँ पर अपनी डाडी खुजाने लगता है बात कुछ ऐसी थी की वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था लेकिन उसने अब तक उसको ये नहीं बताया था कि जिस चीज के लिए वो यहाँ पर रेडी हो रहा था जिस चीज के लिए वो बात कर रहा था ना वो कोई ऐसी नॉर्मल चीज नहीं थी उस चीज को मेंटेन कर रखना उसके अंदर इतना पैसा लगा देना कि उसको यहाँ पर पूरे राज्य द्वारा भी यहाँ पर वापस से रिकवर ना करना ऐसे कुछ यहाँ पर वो चीज थी लेकिन अभी अब उसकी बेटी का यहाँ पर सवाल आ गया था इसी वजह से अब वो यहाँ पर उस चीज को भी साइड में रख सकता था इसके बाद वो कहता है देव इधर आइए उसके साथ में देव वहाँ पर आ जाता है और वो आते हुए कहता है जी महाराज क्या हुआ तो उसके साथ में यहाँ पर जो जहर राज था वो कहने लगता है देव जल्दी करो जल्दी जाकर यहाँ पर जो आत्मा की टहनी है उसको रेडी करो लेकिन जैसे ही महाराज ये शब्द कहता है तो उसके साथ में क्या महाराज आप मजाक कर रहे हैं क्या आप आत्मा बास का कर यूज करना चाहते हैं तो महाराज कहते हैं हाँ हाँ मेरी बेटी ने कहा है आखिरकार मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ लेकिन उसकी सुनने के साथ में देव कहता है लेकिन महाराज आपको पता ना कि आप वहां पर उसका यूज करते हुए ग्रेड फोर के एक लड़ाकू बनना चाहते हैं तो क्या आप वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहेंगे लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जहराज कहता है लेकिन अब वो मेरी बेटी का सवाल है आखिरकार मैं मेरी बेटी के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है लेकिन महाराज तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पर तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो करो और इसके अलावा रही यहाँ पर उस बांस के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बात तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि उस बांस के अंदर पहले से यहाँ पर 300 पत्ते हैं और वो तीन सौ पत्ते यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि नंदनी बेटा उसका यूज़ कर पाएगी आखिरकार वो वहां पर अभी तो अपने सोर्स फूल को एक्टिवेट करने जा रही है तो मुझे लगता है कि वो अगर यहाँ पर दो या तीन पत्तों का यूज करेगी ना तो उसके अंदर उसका काम हो जाना है तो इसी वजह से हमें फालतू में घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है जो जहराज था वो यहाँ पर अपने एक मुस्कान के साथ में उसका कहता है लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो देव था वो कहने लगता है आ, अच्छा महाराज अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है वास्तव में मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था तो उसके साथ में यहाँ पर जयराज कहता है अरे तुम सोच भी कैसे सकते हो आखिर का महाराज तो मैं हूं ना तो मेरे पास में तुमसे ज्यादा दिमाग होगा तो उसके साथ में हाँ महाराज ये तो बात है ही उसके बाद में यहाँ पर जयराज करता है चलो ठीक है जल्दी चलो मेरी बेटी को यहाँ पर उसका जरूरत होने वाला है बात कुछ ऐसी थी कि जिस बाँस की वो बात कर रहे थे वो यहाँ पर एक ऐसा था जिसके अंदर शुद्ध एनर्जी को रखा गया था जैसे ये स्वर्ग की एनर्जी है वो शुद्ध है लेकिन वो बहुत ज्यादा शुद्ध थी लेकिन इस के अंदर भी ऐसा ही कुछ था शायद ऐसा कुछ जैसे कि यहाँ पर स्वर्ग की एनर्जी ही हो और उसके जैसे ही यहाँ पर उस एनर्जी का यूज किया जा सकता था किसी की भी सोर्स फूल को थोड़ा सा काबू करने में या उसको शांत करने में और इस जगह पर जयराज का ये सोचना था की अगर वो यहाँ पर अपनी बेटी को ये सिखा दे की कैसे वो अपनी एनर्जी को वहां पर जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर सकती थी तो उसके बाद में वहां पर उसका कोई भरा हो सकता था इसी वजह से जेरा यहाँ पर यही करना चाह रहा था और उसके साथ में वो कहता है हाँ लेकिन देव एक काम करना कि रमिया को भी इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कह देना वो भी यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकती है कि नंदनी भी हमारी वाइट रॉक सिटी की एक बहुत ज्यादा काबिल जीनियस है अगर वो यहाँ पर उस एनर्जी का यूज कर लेती है तो उसके साथ में हमें कुछ भी नहीं होने वाला इसी वजह से जाओ ओ वो उसको बोल दो कि वो भी इसका यूज कर सकती है आखिरकार रमिया और नंदनी अगर हमारे इस सिटी के अंदर रहती है और पावरफुल बन जाती है तो वो वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा होगा उसके साथ में यहाँ पर वो दोनों अब जल्द ही अपनी राह की तरफ जाने लगते हैं लेकिन जहाँ वो राह की तरफ जा रहे थे वहीं दूसरी तरफ विपिन विपिन को दिखाया जाता है। जो विपिन था वो अभी पहले से ही कम से कम दस हजार के आसपास धागों धागो का यहाँ पर यूज करने लगा था और ऐसे करते हुए आखिरकार वो जल्द ही एक जगह पर पहुंच जाता है और वो कहता है चलो ठीक है मैंने कम से कम यहाँ पर पहले से छह हजार किताबों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है अगर इन सभी को इकट्ठा मैंने कर लिया है तो उसके साथ में में अब लास्ट में, मेरे सामने वो एक किताब बची है इसके साथ में विपिन एक एक किताब किताब ये सामने बैठा होता है वो अभी अलग ही जगह पर रखी हुई थी वो किताब थी जैसे कि पर सारी सारी नॉलेज उसके अंदर ही हो और उसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे की कि वो किताब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थी उन सभी के लिए इसी वजह से विपिन जल्द ही वहाँ पर चला जाता है और वहां जाने के साथ में जल्दी वो उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है गलतिया जैसे यहाँ पर वो ऐसा कहता है कि अचानक से जो स्वर्ग की लाइब्रेरी थी उसके अंदर एक किताब बनना शुरू हो जाती है लेकिन उस किताब को बनाते हुए देख कर विपिन की फटे के फटे जाती है वो कहता है क्या ये क्या बाकी सारी किताबों को तो यहाँ पर इकट्ठा करने में, में मेरे को केवल एक धागे की जरूरत पड़ी थी लेकिन ये क्या हो गया अचानक से यहाँ पर दस धागे अच्छा मुझे लगता है की ये जो किताब है ना इसका जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा होने वाला है वास्तव में आज तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा लुड़ चुका हूँ मैंने सोचा था की मैं नौ हजार का यहाँ पर बहुत कुछ कर लूंगा और बहुत सारी बना लूंगा लेकिन इस जगह पर तो यहाँ पर ये ये हो क्या रहा है मेरे साथ में मैंने पहले से यहाँ पर दस हजार दागो का यहाँ पर यूज कर लिया है हे भगवान हे प्रभु हे कायनात, मेरी साथ में ये हो क्या रहा है

करती थी लेकिन अब विपिन ये सोच रहा था चलो छोड़ो कोई बात नहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो होने दो अब हम हाँ क्या ही कर सकते हैं वैसे भी अगर हमें हाँ यहाँ पर कुछ करना है तो इन सभी किताबों को एक साथ रखना होगा उसके साथ में क्या क्या पता मेरे को क्या मिल जाए अगर ऐसा हुआ ना तो उसके बाद में आगे जाकर और ज्यादा मौके मिलेंगे लेकिन मेरे पास में लास्ट मौका है ऐसा कुछ करने के लिए इतना कहने के साथ में विपिन कहता है कम्बाइन जिसे वो ऐसा कहता है की अचानक से सारी की सारी किताबे वहां पर उड़ना शुरू हो जाती है और वहाँ गोल गोल घूमने लगती है गोल गोल घूमते हुए वो एक अर्थ का साइज बना रही थी और उन सभी किताबों के बीच में एक एनर्जी का धागा बन जाता है जो एनर्जी का धागा यहाँ पर जल्द ही उन सभी किताबों को अपनी ओर खींचने लगता है और धीरे धीरे करते हुए वो सारी की सारी किताबें वहा एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब विपिन वो सारे हाँ अपने सामने का नजारा देखता है तो उसके साथ में वो कहता है क्या ये नहीं हो सकता हे भगवान हे प्रभु आखिरकार पहले किताबें बनाने में मेरे को इतनी ज्यादा एनर्जी लग गई थी अब एक और किताब बनाने में ये, एनर्जी क्यों लग रही है? ये नहीं हो सकता है क्योंकि में इस जगह पर पहले से, से उसने बहुत सारी किताबें तो बना ली थी अपने धाको के साथ में लेकिन अब फिर से उस एक किताब को बनाने के लिए इतने सारे धागे एक साथ लग रहे थे इस सभी को देखने से विपिन की आंखें बाहर निकलने को तैयार थी वो कहता है मैंने यहाँ पर दस हजार दागो का पहले से यूज कर लिया है और इतने दागे मैंने वहाँ से एब्जॉर्ब भी किए थे वास्तव में अब मेरे यहाँ पर बैंड बजने वाली है विपिन वहां पर अपनी निगाहों को सामने टिका बैठ जाता है वो इस जगह पर अभी कुछ भी ऐसा दिखाना नहीं चाह रहा था वो कहता है